हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करते हैं थ्योरी की क्लास की। किसकी? थ्योरी की क्लास की बात करेंगे। और इससे पहले हमारी थ्योरी की 49 क्लासें हो चुकी हैं और आज थ्योरी की 50वीं क्लास है। 50वीं क्लास इस प्रकार से है कि अब इससे पहले हमने राज्य विधानसभा के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में बातें नहीं की। और जब हम प्रमोशन 40 के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें कई बार लगभग दो पेपर की बात करें, दो पेपरों में से एक पेपर में क्या है, एक पेपर में कहीं न कहीं राज्य विधानमंडल, विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बारे में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे, 3 फरवरी हो चुकी है, 3 फरवरी को आज थ्योरी की क्लास की बात करेंगे। ठीक है, कल फिर वापस आपको प्रमोशन 40 की क्लास है वो मिलेगी। आज थ्योरी की क्लास है। ओवरऑल बात करें अब की, तो हमारी थ्योरी की 50वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 50वीं थ्योरी की 50वीं क्लास है। हम धीरे धीरे कर हमने 50 क्लासें थ्योरी की आज कंप्लीट की है। ये सब ये आपके कारण, आपके सहयोग के कारण हो पाया है। तो आप इसी प्रकार से सहयोग करते रहिए। आज बात करेंगे विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल से क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैंने सोचा कि पहले विधानमंडल के बारे में चर्चा कर लें, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, कल वापस आपको प्रमोशन 40 की क्लास है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं। उससे पहले बताऊँ कि कल की क्लास में अच्छा रिस्पांस रहा बच्चों का, आपका बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। और आपके रिस्पांस की वजह से, आपके साथ की वजह से हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए लगातार अच्छी अच्छी चीज़ें और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो लाने का प्रयास करते हैं। जैसे नागेश बावनी लगातार क्लास में अटेंड रहते हैं और बढ़िया इनका रिस्पॉन्स रहता है, क्लास के प्रति अच्छी मेहनत करते हैं। नागेश बावनी हैं, तरुण हंस हैं, ये भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। राकेश कुमार हैं, मोनू कुमार की बात करें, अजय मेहरा की बात करें, चंदन कुमार की बात करें, आकांक्षा मिश्रा जिन्होंने कल पूरी की पूरी क्लास लाइव अटेंड की और लगातार आंसर दे रहे थे। क्या थे? आकांक्षा मिश्रा इन्होंने आंसर है वो सही दिए लगभग सारे के सारे क्वेश्चन। देव मीणा हैं, युगल कुमार प्रजापत आपका नाम हमने गलत है वो उच्चारण कर लिया पिछली क्लास में, युगल कुमार प्रजापत हैं, रिचर्ड ब्राउन हैं। ठीक है, इस प्रकार से लगभग बच्चे हैं वो क्लास देख रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है। चलो बात करते हैं आज की क्लास की। देखिए, विधानमंडल की बात करें, अब बात आती है कि विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है। विधानमंडल में क्या आएगी? विधानसभा आएगी। विधानसभा लगभग राज्यों में है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, देखो 28 के 28 राज्यों में क्या है? विधानसभा है। उसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, पांडिचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, 28 राज्यों में विधानसभा है। ठीक है, विधान परिषद ये 6 राज्यों में है। विधान परिषद कहाँ है? 6 राज्यों में है। कौन से 6 राज्यों में? देखिए, बिल्कुल सरल ट्रिक से याद करेंगे इसको। देखो, महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों को एक साथ याद कर लेना। महाराष्ट्र कर्नाटक को एक साथ कर लेंगे याद। आंध्र प्रदेश तेलंगाना को एक साथ याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ याद करने हैं दोनों के दोनों, ये दोनों नज़दीक है। कर्नाटक महाराष्ट्र दोनों के दोनों नज़दीक हैं। और रह क्या गया? यूपी बिहार किस प्रकार याद करेंगे? 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार। ठीक है, विधानमंडल का उल्लेख इस भाग में है। भाग 6 में विधानमंडल का उल्लेख है। और कौन से अनुच्छेद में? 168 से लेकर 212 में विधानमंडल का उल्लेख है। राज्यपाल का उल्लेख 153 अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का वर्णन है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का जो वर्णन है वो किस में है? अनुच्छेद 171 में। विधान परिषद की संरचना का वर्णन है, किसका है? विधान परिषद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 में है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद राज्य की विधानमंडल का स्थायी सदन होता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद स्थायी सदन होता है, विधानसभा अस्थायी होता है। ये भंग हो सकती है या कभी भंग नहीं होती। देखिए, आगे बात करें विधानसभा की संरचना की। विधानसभा की संरचना का उल्लेख 117 अनुच्छेद में है। किस में है? अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 में क्या है? विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। अब बात करें अधिकतम विधानसभा सीटें कितनी हो सकती है। किसी भी राज्य में अधिकतम विधानसभा सीटें 500 हो सकती है। और भारत में अधिकतम कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कितनी? 403। न्यूनतम 60 हो सकती है, किंतु 4 राज्य अपवाद में है।
सबसे कम कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में दोस्तों 32 विधानसभा की सीट है। गोवा में कितनी है? गोवा में 40 है। पांडिचेरी में कितनी है? पांडिचेरी में दोस्तों 30 विधानसभा सीट है। और मिजोरम में कितनी है? मिजोरम में 40 है। मिजोरम में कितनी है? 40 है। ये चार राज्य याद रखने हैं, जो चारों में क्या है, चारों में अपवाद है। बाकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60 सीटें होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 500। अब देखिए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 164 में। किस में? 164 में, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक और नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल का जो पद है 153 में है, और किस किस में वर्णन है? 153 से 162 तक राज्यपाल का वर्णन है, ठीक है। राज्य का संवैधानिक व नाममात्र प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्य पद का वर्णन 153 में। क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल के पास। क्षमादान में क्या कर सकता है? किसी भी सजा को कम कर सकता है, किंतु ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? माफ नहीं कर सकता। और इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 161 में इसका वर्णन है। तो देखिए ये राज्य विधानमंडल है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगे, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, मैंने सारे के सारे आज करा दिया, ठीक है। कल वापस, कल की क्लास में है वो, आपको प्रमोशन 40 की क्लास मिलेगी। इसलिए कराया गया है कि राज्य विधानमंडल के बारे में टॉपिक हमने थ्योरी क्लास में नहीं पढ़ा, और आज हमने राज्य विधानमंडल पढ़ लिया ना, तो लगभग हमने पॉजिटिव कंप्लीट कर लिया है। तो राज्य विधानमंडल की हमने क्लास है, और ओवरऑल हमारी थ्योरी की 50वीं क्लास है। इसलिए आप सभी को क्या करना है? आप सभी को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है। क्या करना है? अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि आप हमें रिस्पॉन्स देंगे, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे, इसलिए हमारा रिजल्ट भी बढ़िया रहेगा। फिर आप आगे जो पेपर देंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा। आगे जो पेपर देंगे उनको आप बताएंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं और शानदार तैयारी करवाते हैं, तो इससे हमारा भी प्रमोशन होगा और आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।